दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेफड़े खराब होने से पहले शरीर में दिखने लगते हैं ये चार लक्षण फेफड़े हमारे शरीर का एक जरूरी अंग होते हैं जिनकी मदद से हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिल पाती है फेफड़े उन अंगों में से हैं जिनका सही और सुरक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है और अगर आपके फेफड़े सही नहीं है तो आपके शरीर को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी यानी आपके शरीर को कई गंभीर समस्याएं होने का खतरा भी इस स्थिति में बन जाता है लेकिन आजकल फेफड़े डैमेज होने का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और सिर्फ स्मोकिंग करने वाले ही नहीं बल्कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें भी फेफड़े खराब होने का खतरा बढ़ता जा रहा है बढ़ता वायु प्रदूषण खराब जीवन शैली और अनहेल्दी डाइट हैबिट्स जैसे कई ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण हमारे फेफड़े खराब होते जा रहे हैं हालांकि शरीर में देखे जाने वाले कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं जो फेफड़ों के खराब होने का संकेत देता है बार बार सांस फूलने लगना अगर आपका बार बार सांस फूलने लगता है तो कहीं ना कहीं ये फेफड़ों की खराब हेल्थ का ही संकेत हो सकता है लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं सिर्फ खराब फेफड़े ही नहीं बल्कि सांस फूलना को कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है और इसलिए इसे गलती से भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए जिन लोगों को स्मोकिंग की लत है उन्हें खांसते समय बलगम आने लगता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग भी नहीं करता उसे भी अचानक से ज्यादा बलगम आने लगे तो ये फेफड़ों की खराब हेल्थ का संकेत हो सकता है खासतौर पर अगर खांसी के दौरान निकला बलगम हल्के पीले या हरे रंग का है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए जब फेफड़े खराब होने लगते हैं और शुरुआती चरणों में होते हैं तो अक्सर इनसे जुड़े लक्षण सुबह के समय ज्यादा महसूस होते हैं अगर आपको भी सुबह उठने के बाद सांस फूलना सांस लेने दिक्कत घर की आवाज आना ज्यादा खांसी आना और खांसी में बलगम ज्यादा आना आदि लक्षण महसूस हो रहे हैं तो यह भी फेफड़े खराब होने की शुरुआत हो सकती है जिन्हें गलती से भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों इस प्रकार की हेल्थ संबंधित वीडियो पाने के लिए आप लक्ष्मण हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद